हिंदोल एनएससी आलुसिंह बरगुज रास्ता निर्माण हो केबे स्वाधीनता सात दशंधि पर भी हिंदोल एनएससी आलुसिंह बरगुज को नहीं पक्का रास्ता एभली किसी अभियोग आँचुची ढेकाना जिला हिंदोल एनएससी अंतर्गत 15 नंबर वार्ड आलुसिंह बरगुज ग्राम हिंदोल एनएससी गठन पाठ एपर्यंत लिखित मौखिक भाव में बारंबार अभियोग कर आसुले एनएससी प्रशासन लोक प्रतिनिधि और उपजिलापा कौन से सुफल मिल पार ग्रामवासी प्रकाश कर आउ ग्राम रे रास्ता नथिबारु आम स्कूल छोट पिला माने हिंदोल जाई पाउ नाती आउ रास्ता घाट नाही कादो होउजी सुआ पिला पर पाठ पढ़ी जाई पाउ नाती जर देह पारे लोक माने पड़ले एम्बुलेंस गाड़ी भी आसी पाउनी आउ लोक माने बहुत हैरान होउती जाफल रे आलुसिंह बरगुज ग्रामवासी को मध्ये असंतोष वृद्धि पाउथिबार जणा पड़ीछि ग्रामवासी अभियोग अनुसार एमती कि कौन जरूरकालीन समस्या कहार स्वास्थ्य समस्या बिगड़ गले हठात सया टाम्बुलांस ग्राम को पहुंचा असंभव पड़ी आलुसिंह बरगुज ग्राम से जदि केवे जरूरी समस्या उपजे गाँव को दमकल गाड़ी टीए काद रास्त आसीपारे ना उक्त ग्राम निकट अंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय को छात्र छात्री मैंने काद रास्त जावाई अनेक असुविधार सम्मुखीन होता कथा प्रकाश कर सत्यानंद साहू बरगुज हाँ अज्ञा आलुसिंह सिंकुल धंडी जाइए बरगुज को रास्ता यहाँ जड़े लोक निजर कहने बारंबार रास्ता बंद करें आरआई अमीन प्रशासन समस्त को ही अभियोग कलु से आसिले मापचुप कले बारंबार प्रतिश्रुति देदेबू देख ला बेलू आम बारंबार धबड़ी धबड़ी थी रही किसी हो पार एवं भोटपाई आसिले प्रशासन हे मौसी हे मऊसा अमुक करदेबू ढेंकी करदेबु आस भोट दि भोट दे सारापर रास्ता पूरा तुम क्लीयर तुम किसी असुविधा ना एवं बारंबार कहते हैं बारंबार भोट दे चलुजु हेले कहीं आम कथा बुझार ना ग्रामवासी अभियोग मुताबक निर्वाचन समय ग्राम को स्थानीय नेता और लोक प्रतिनिधि आसी आमको भोट दि ग्राम सब समस्या दूर करदेबु कही बड़ बड़ प्रतिश्रुति भूली जाती पाद पड़े ना कि दृष्टि दिंती ना ଆଜ୍ଞା ମିଲୁ ଦେହୁରୀ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳୁସିଂହ ବରଗଜ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ଯାହାକି ଆମର ଆଳୁସିଂହ ଏବଂ ସିଙ୍କୁଳ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଜରାଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସତ କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲର ପଡ଼ିଲେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଛଡ଼ାଯିବ ତାହାପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାହୁ ବରଗୁଜ ରାସ୍ତା ଆମର କାଦୁଅ ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଇଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇନି ବୋଲି ହିନ୍ଦୋଳ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧା ଦିନ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବେ ଯାହା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବି ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଲରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।